नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। धनबाद जिला के निरसा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बेनागोरिया स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के मुख्य द्वार पर स्थानीय ग्रामीणों ने नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही निरसा विधानसभा पूर्व विधायक अरूप चटर्जी एवं निरसा पुलिस जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे और विरोध कर रहे ग्रामीणों को समझाने लगे, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। मामले को लेकर पूर्व विधायक ने जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य से वार्ता की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि ग्रामीणों की मांग को लेकर प्रबंधन से वार्ता हुई है। वार्ता सकारात्मक रही और यह आश्वासन दिया गया है कि ग्रामीणों की मांग में जो भी विधिसम्मत होगा वो निर्णय लिया जाएगा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। ग्रामीणों का जो सर शिकायत है सर, क्या कारण है सर और कहां तक उनकी बातों को सच्चाई मानी जा रही है सर? नहीं, इसमें जो ग्रामीण का शिकायत यह है कि लोकल काम कराने के लिए लोकल लोगों को रखा जाए, तो यहाँ लोकल का ही है और कुछ कार्य ऐसे हैं जिस कार्य को अनुभव के आधार पर रखे जाते हैं, जिसको कुछ कार्य का अनुभव है और उस हिसाब से जो है कुछ जो जो अनुभवी थे गिरिडीह जिले के एक दो को रखा गया है और बाकी जो कैजुअल नेचर के जो कार्य हैं उस कार्य को करने के लिए हम यहाँ के लोगों को ही, चाहे मरम्मत के लिए, रंगाई पुताई के लिए हो या सड़क निर्माण के लिए हो, घास काटने के लिए हो, तो उन कार्यों को करने के लिए यही के लोगों को हम रखते हैं। सर, आपका शुभ परिचय। सर, मैं सीके ठाकुर, मैं प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय धनबाद। मैं अभी अगस्त में यहाँ पर आया हूँ और इससे पहले मैं जमुई का प्रिंसिपल था, उससे पहले मैं गुजरात में था काम किया, उससे पहले कर्नाटक और केरल में काम किया और इस तरह से जो है यह हमारा जो है सो अंतिम विद्यालय है और यहाँ हम जो हैं इसके शैक्षणिक सुधार के लिए, विद्यालय के सही रख रखाव के लिए, विद्यालय को और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ के समुदाय का, यहाँ के लोगों का सहयोग चाहते हैं और उस सहयोग को हम और भी बरकरार रखेंगे, अच्छा करेंगे। बैठक हुई थी प्रिंसिपल के साथ सर, क्या वार्ता हुई सर? नहीं, मुख्य रूप से जो घटना कुछ दिन पहले घटी थी, कोई टीचर स्टाफ के पति आए थे और उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ कुछ झमेला हुआ, वो ख़त्म कर दी गई और जिस तरीके से आगे भी ग्रामीण नवोदय विद्यालय के उत्थान के लिए या आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते थे, सभी लोग आगे भी उपस्थित रहे। बाकी जो लोकल लोगों के एम्प्लॉयमेंट की बात है तो वो प्रिंसिपल सर ने कहा जो जहाँ जहाँ जो काम में लग सकता है सारी जगह वहाँ पर लगाने का काम। क्या मामला था जो आप लोग आंदोलन कर रहे थे? हाँ देखिए, ये मामला आज इतना इस पंचायत का, यहाँ इस गांव का आदमी सब ने इतना यहाँ प्रदर्शन किया आया, मेन उद्देश्य था कि यहाँ जो कैंटीन मेस जो चलता है, जो बच्चा सबका लड़का लड़कियों का जो खाना वाना बनाता है यहाँ जो रहता है, इसमें ऐसा किया गांव घर का लड़का, पहले गांव घर का लड़का क्या गो रखा था यहाँ, शायद दो गो का हमको पता चला है, यहाँ दो लड़का को रखा, उसके बाद एक लड़का को यहाँ से हटा दिया, फिर दूसरा लड़का को यहाँ जैसे कि रीडी सीजी के सामने आया कि एक वो गार्ड का लड़का वहाँ काम कर रहा है और कोई ग्रीडी का लड़का, कोई ग्रीडी का लड़का काम कर रहा है। तो ये कहने का है, ये जब नवोदय विद्यालय बेनागोरिया में जो बना, यहाँ का हम जनता ने इतना बड़ा जमीन को दान में दिया, तो यहाँ का ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो काम होता है, यहाँ का जो कि बेनागोरिया का ही आदमी सबको मिलना चाहिए, प्राथमिकता लोगों को देना चाहिए और उसके साथ साथ जो कल एगो यहाँ एगो क्या कहते हैं टीचिंग स्टाफ जो मैडम है, उसका पति सूरज का घटना है शायद, कल का मैटर है, वहाँ जा करके जो एगो क्या कहते हैं जो पंचर अंचर सराता है बेनागोरिया में, तो रोहिणी कांत दास तो वहाँ पंचर अपना गाड़ी का पंचर सराने के लिए गए थे वहाँ, तो उसी समय
शायद हमको लग रहा है कि किस तरह से किया हुआ नहीं हुआ, लेकिन एगो वहाँ टूल जो था टूल को एक्सीडेंट किया तो उसको तोड़वा दिया। तोड़ने के बाद ये जो रोहिणी कांतदास बोल रहा है कि आप ऐसा क्यों किया, ये हाँ टूल खरीद करके हमको दे, तो उसी में थोड़ा सा वो अपना सेनाजोजी भी दिखाया, खराब भाषा का भी यूज किया, गाली गलौज भी किया, इसी लेकर के फिर से जो कि लोग भी चर्चा में आया। ऐसा हमको खबर मिला यहाँ का जो कि एक राणा सर जो है वो हमको सुबह फोन किया था, वो हमको फोन किया था, वो मेटर तो ऐसा हुआ कि कल वो अपना जो कि दोस्त को स्वीकार किया, कुछ वर्चस्व करने के बाद वो अपना माफी भी मांगा, तो यही जो कि इसी लेकर के हम लोग वहाँ नवोदय का जो प्रिंसिपल है उसके साथ हम लोग पता रखे और वो सारी जिम्मेवारी जो हम लोग बोले वो मानना है। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मीधर मरांडी, मेरा पत्नी मुखिया है, हम उसका हस्बैंड हैं।